जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तिरवन चारी राधा बिनोद बिहारी जय जामुन तिरवन चारी राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। वैदग्धसिन्धो प्रसरसराज राघवेन्द्रसिन्धो वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधु रसमूर्ति कृपायक सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलहरी कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 बलहरी कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री तपन मिश्रा, जब इनकी मन में साध्य और साधन, जब इनकी ये प्रश्न हृदय में आई और इन्होंने सब लोगों को उनने प्रश्न की, लेकिन इन्होंने यथाजथ इनको उत्तर मिला ही नहीं। जब नहीं मिला, इतने में देवता लोग ने आकर के बोले, देखो यहाँ पर एक श्री निमाई पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु, आप उनको पास में जाओ, उनको पास में जाने पर आपको साध्य साधन तत्व का जो उत्तर सही सही मिलेगा। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, बोले तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं जनमाम उपजान्ति ते। इसका तात्पर्य है, अगर हमारी सचमुच से हृदय से उत्कंठा हो भगवान को जानने के लिए, सही सही हो ना, कहते इसका उपाय ठाकुर स्वयं बताते, इसको उपाय ठाकुर जी स्वयं बताते हैं। ठाकुर जी हैं
इसलिए लेकिन सचमुच से हमारे हृदय में उत्कंठा होनी चाहिए। इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। कहते ठाकुर जी की कृपा से ही है, कृपा से सब कुछ व्यवस्था ठाकुर कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर आए, हमको लाने वाले कौन है, कौन यहाँ पर लाए। अभी तो कितने सारे संप्रदाय हैं, आउल बाउल नेडा नेडी सखी भेखी जात गोसाई हाँ चूड़ाधारी गौरांग नागरी कहते कितने सारे उल्टा पुल्टा है, कितने भगवान भी प्रकट हो रहे हैं और पता नहीं कितने कितने जैसे खेती में बीज जैसे बोते हैं ना, हमारे भारत में भी ऐसे अलग 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 सब नए 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 सब के सब पंथ है। लेकिन प्रश्न है फिर हम लोग वहाँ क्यों नहीं गए, हम सब के सब यहाँ कैसे आ गए और हमको यहाँ लाए तो लाए कौन है, कौन लाए। कहते श्री ठाकुर जी लाए। इसलिए यहाँ पर जब उनके हृदय में सचमुच से उत्कंठा जन्मी, जीवन का साध्य साधन क्या है, साध्य मतलब जीवन का क्या लक्ष्य है, साधन मतलब वो लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब हृदय से आई भगवान स्वयं इसका रास्ता दिखाते, ले जाओ अमुक स्थान पर जाओ, चैतन्य महाप्रभु के पास में जाओ, तुम्हें सही सही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में गए तो महाप्रभु ने बोले हैं, क्या बोले महाप्रभु, बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्या करो भगवान की नाम का जपा करो हैं। इसलिए हरि नाम संकीर्तने पाइवे सकल साधित साधित जब प्रेमा कुरु हवे साध्य साधन तत्व जानिबे से तवे। जब ये हरि नाम संकीर्तन को हम करेंगे और जब इसको सही सही रूप में साधन करेंगे, साधन करते 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 जब उसमें प्रेम का अंकुर जब आएगा हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी एक बड़ी सुंदर कीर्तन लिखा, तुम लोगों को पता ही नहीं है, कृष्ण नाम धरे कतो बल हैं। इसलिए ये कीर्तन में बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ये कीर्तन को गाते हैं। तो कृष्ण नाम को सही सही करेंगे, बोले ईश्वर प्रकाश गुना देखा है निज नाम गुना हरि लय चित्त हरि पासे। इसलिए जब इसी नाम को हम जप करेंगे, जैसे धीरे धीरे जैसे अंकुर होता है उसमें जैसे दो पत्ते होते हैं और उसमें जैसे धीरे धीरे टहनियाँ निकलती हैं, जैसे उसमें फूल होता है फिर उसमें फल होता है, कहते केवल ये हरि नाम का अगर हम ठीक ठीक से हरि नाम करें हैं, कद इसको द्वारा जीवन का सब कुछ इसी हरि नाम से ही प्राप्त होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने और कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल उन्होंने ये शिक्षाष्टकों को ही लिखे हैं। महाप्रभु ने केवल शिक्षाष्टकों को ही लिखे, बोले क्यों, बोले जीवन का जो सार हरि नाम है, सार क्या है, आद्या बनते च मध्यत हरि सर्वत्र गीयते वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा। जितने वेद उपनिषद पुराण जितने सारे शास्त्र को देखोगे पहले बीच और अंत में सर्वत्र क्या है, भगवान के नाम का ही महिमा है। इसलिए अगर हमने सारे शास्त्र पढ़ लिया लेकिन भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो सब कुछ बेकार है। लेकिन अगर भले ही कुछ पढ़े नहीं अगर भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि हो गया, क्या समझो हमने सब पढ़ लिया, हमने सब शास्त्र को हमने पढ़ लिया। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण जोर से बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले अतेव कलिजुगे नाम यज्ञ सार, आर कौन धर्म कैले नाही है पार, रात्रि दिन नाम लय खाइते सुइते तहार महिमा वेदे नाही पार दीते।
महाप्रभु कह रहे हैं अतः कलयुग में भगवान का नाम ही सार है, अगर और कोई धर्म करे तो जीव कलयुग से पार हो नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति खाईते सुईते उड़ते बैठते क्या करते हैं, भगवान का नाम को ग्रहण करते हैं, कहते तार महिमा वेदे नहीं पार देते, वेद भी उसका महिमा को नहीं गा सकते। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर ने क्या बताए, बोले भगवान नाम शुद्ध नाम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, शुद्ध नाम होनी चाहिए। लेकिन कहते नौ तरह का जो अपराध, तो 10 तरह अपराध को छोड़ करके नाम करना पड़ेगा। लेकिन जो 9 तरह का अपराध को अगर कोई कोशिश करे बहुत अच्छे तरह से, अगर कोई कोशिश करे तो कहते 9 तरह का अपराध को तो छोड़ सकता है, लेकिन उसमें जो एक अपराध है ना उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। कौन सा अपराध है? हाँ, इसलिए जो मैं मेरा जो बुद्धि है ना, शरीर की जो आत्मबुद्धि है, ये शरीर में और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, कभी ये चीज को छोड़ना बड़ा कठिन है, कभी इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। लेकिन जो और जो 9 तरह का अपराध, बहुत कोशिश करे किसी वैष्णव की निंदा नहीं करे। सबसे पहले 10 तरह का अपराध का सबसे पहले कौन सा अपराध है, शतांग निंदा। किसी साधु को निंदा नहीं करनी चाहिए है? लेकिन उसमें कहते हैं जो भक्ति जगत में क्या है, भक्ति जगत में मैन है गुरु। भक्ति जगत में कहते जो गुरु जी की चरण में जो भक्ति है, कहते जो निष्ठा यही भक्ति का मेरुदंड है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसमें गुरु भक्ति नहीं बताए, बोले क्यों, बोले गुरुआ प्रति तो गौरव बुद्धि सबका रहता है भैया, जो कुछ हो जाए कभी भी गुरु जी का निंदा नहीं सुननी चाहिए है? कभी गुरु जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि मत गुरु जगत गुरु और मत नाथ जगन्नाथ। इसलिए लेकिन कभी कभी गुरु जी का तो प्रति क्या होता है, गुरु जी का प्रति तो गौरव बुद्धि रहता है, लेकिन वैष्णव का प्रति है ना गौरव बुद्धि आना बड़ा कठिन है। अरे हम सब जानते हैं ऐसे ऐसे करने वाले है, इसलिए कभी कभी वैष्णव के चरण में हम अपराध कर डालते हैं। इसलिए कहते साधु सावधान, महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यंग बतांग राजन विश्वास नहीं हो जाते है। इसलिए नाम ब्रह्मणे वैष्णवे महाप्रसाद भगवान का नाम विग्रह कहते इसको स्वल्प पुण्यंग बतांग राजन विश्वास नहीं हो जाते, जिसका कम पुण्यवान व्यक्ति इनका प्रति विश्वास नहीं होता। इसलिए महाप्रभु भी अपना जीवन में ये चीज को कठोर रूप में उन्होंने सिखा दिया। महाप्रभु अपना माँ को भी नहीं छोड़ी, जब महाप्रभु सभी को रेप दे रहे थे अपना मैया को ही नहीं बुलाए, बोले महाप्रभु को बोले प्रार्थना किया अपना मैया को क्यों प्रेम नहीं दे रहे हो, बोले मैया ने वैष्णव अपराध किया है, मैया ने वैष्णव अपराध किया। बोले किसके चरण में, बोले अद्वैत आचार्य के चरण में। देखो यहाँ पर माँ होकर के भी है, जब उन्होंने सुना अद्वैत आचार्य के चरण और उन्होंने गए माफी मांगी, उनके चरण में माफी मांगी, लेकिन वो कौन है, माँ यशोदा स्वयं है। जैसे महाप्रभु सर्व कारण का कारण, महाप्रभु में सारे अवतार है, कहते सच्ची मैया को अंदर में भी सब, यशोदा भी इसके अंदर में, कौशल्या भी है इनके अंदर में, सबके सब है हैं, ये दीप्ति आदि जितने सबके सब इनके अंदर में विद्यमान। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं भले ही हम जितने बड़े क्यों नहीं हो, अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए तो जाकर के माफी मांग लो है, माफी मांग लो। माफी मांग लेते हो अगर कोई सोचेगा अरे क्या जरूरत है माफी मांगने का है, माफी मांगने कोई जरूरत नहीं, हम मन मन में मांग लेंगे है, मन मन में मांग लेंगे माफी, बोले और ज्यादा अपराध हो जाएगा चरण में, और ज्यादा अपराध हो जाएगा। तब भी ये अपराध दूर होगा जब किसी वैष्णव चरण में, अगर किसी कोई वैष्णव हमारे प्रति नाराज हो गए तब भी अपराध माफी होगा जब वो वैष्णव सचमुच से हमारे आंखों में आंसुओं को देखे, हमारी आंखों में आंसुओं को देखे और आंसू देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो जाए, नहीं सचमुच से इन्होंने जो मेरे चरण में अपराध किया है इसके लिए ये पश्चाताप कर रहे हैं, ये अफसोस कर रहे हैं,
जब उनका हृदय पिघल जाए कहते तभी ये अपराध दूर होता है, नहीं तो अपराध दूर नहीं होता है, हैं? इसलिए सची मैया जाकर के स्वयं अपराध माफी मांगती है। फिर गोपाल चापा जब अपराध हो गया, कुष्ठ व्याधि हो गया सारा शरीर में उनकी, हमारे भारत में देखना जिसको कुष्ठ व्याधि हो जाता है ना वो लोग कहाँ जाते हैं, वो सबके सब जाकर के जो लोकनाथ है, यहाँ पर लोकनाथ है ना, देखना वहीं पर जितने सारे कुष्ठ व्याधि लोग वहीं पर जाकर के आश्रय लेते। बोले क्यों? कि जो शंकर जी वैष्णव नाम जथा संभो, वैष्णव में अग्रगण्य कौन है? शंकर जी है। कहते ये जो लेपर्सी है ना, कहते ये सबसे ज्यादा दूसरे बीमारी तो सही हो जाती है, लेकिन ये जो लेपर्सी है ना, जो कुष्ठ व्याधि सहज में सही नहीं होता है, ये व्याधि अगर किसी को पकड़ लिया वो सही नहीं होता है। कहते ये अक्सर करे क्यों होता है? कहते जब वैष्णव चरण में अपराध होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, कहते अगर मेरा हाथ भी, अगर कभी मेरे भक्तों का विरोध में मेरा हाथ चले जाए ना, भगवान कहते मैं अपना हाथ को भी माफ नहीं करूंगा, अपना हाथ को भी काट दूंगा। हाँ, भगवान कहते मैं अपना हाथ को भी काट दूंगा, भगवान कहते मतलब मेरे भक्तों का है, मेरे भक्तों का अपमान, मेरे भक्तों का चरण में जो अपराध, इसको मैं सारा दिन मेरे चरण में कोई अपराध कर ले माफ कर दूंगा, अपने को भी चढ़ाने को। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए अपने आप को भगवान कहते क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए गोपाल चापा श्रीवास की बदनामी उन्होंने करवा दिया है, घर को सामने मदिरा लेकर के, जवाब फूल लेकर के, शराब लेकर रख लिया, और सबर जो हुआ ना, सब लोगों को बुला करके बोले देखो ये क्या करते हैं रात को, ये देवियों की पूजा करते हैं, शराब और मांस दे करके स्वर्ग से अप्सरियों को बुलाते हैं, उनको भोग करते हैं, और तिलक कंठ धारण करके हरी हरी करते हैं, हाँ बड़े भक्त है, उनका नाम पर उन्होंने बदनामी किया तो उनका लेपर्सी हो गया, और उनके गले में गला गल गया, नाक गल गया, इतने दुख भोगा। महाप्रभु के चरण में गए माफी मांगने के लिए, महाप्रभु बोले देखो अगर कांटा पैर में अगर चुभ जाए ना, सर में नहीं निकलता है, वो पैर से ही निकलेगा, तुमने अपराध श्रीवास पंडित के चरण में किया, जाओ उनको चरण में तुम जाकर माफी मांगो। इसलिए हमारे श्री भक्ति जो प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम ही रखा वैष्णव अपराध, वो ग्रंथ का नाम वैष्णव अपराध, उन्होंने कौन कौन कहाँ कहाँ पर अपराध किया है उन्होंने सब कुछ वो ग्रंथ में ना, कहाँ से उन्होंने, कहते वो ग्रंथ को पढ़नी चाहिए, पढ़ने पर है ना क्या होगा, फिर हम भी वैष्णव चरण में अपराध करने का हम भी सावधान हो जाएंगे, हैं? इसलिए भृगु ऋषि जैसे बड़े बड़े ऋषि जब शंकर जी का अपमान कर रहा था, कौन दक्ष प्रजापति, उस समय कोई आग दिखाना तो बहुत बढ़िया हो रहा है, वैष्णव अपराध है, शंकर जी की बदनामी, कोई दाढ़ी हिला रहा था, कोई हंस रहा था, क्या किया वीरभद्र ने जाकर के जो आंख दिखा रहे थे आंख निकाल दिया, जो दाढ़ी हिला रहे थे चिंता चिंता दाढ़ी उखाड़ लिया, जो मोच हिला रहे थे मोच ही उखाड़ दिया, जो हंस रहे थे दांत तोड़ दिए। तो वहां पर कहते हैं, और वहां पर जितने उनको तो किया ही अवस्था, लेकिन वो सभा में क्या, तो वो सभा में जो आए हुए थे देवता लोग ना, उनको भी नहीं छोड़ा, किसको हाथ तोड़े, किसको प्यार तोड़े, हैं? ऐसे उनको दुर्गति कर दिए। इसका मतलब है अगर कहीं वैष्णव अपराध हो रहे ना भैया, वहां पर जा करके उनको ताल में ताल मत दिया करो, ताल में ताल समझ रहे ना, वो कर रहे हैं जाकर उनके साथ में मिल करके, तुम खुद भी जाकर उनके साथ में ताल मत दिया करो, उसके लिए भी मना किया है कि वैष्णव अपराध इतने खतरा ही वैष्णव अपराध है, हैं? इसलिए उन्होंने पता नहीं कहां से महाराज ने उन्होंने, और रूप गोस्वामी कहते हैं देखो अगर जैसे हम हरि नाम करते हैं, साधन भजन करते हैं, कहते अगर थोड़ी सी भी हो, ज्यादा नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं भैया जैसे कोई अपराध नहीं हो जाए, कोई अपराध नहीं हो जाए, इसलिए सावधान करते हैं भाई, इसलिए कहते हैं साधुओं की सावधान कर रहे, इसलिए ये वैष्णव अपराध इतने खतरा है वैष्णव अपराध, इसलिए जो हरिनाम है कहते हैं जो हरिनाम में पहला वैष्णव अपराध दिया है, हैं? इसलिए कहते, लेकिन कहते 9 तरह का अपराध, अगर इसलिए देखो जैसे हम लोग परिक्रमा करते ना सवेरे,
जैसे तुलसी परिक्रमा करते हैं, शाम को तुलसी परिक्रमा करते हैं, पर लास्ट में क्या करते हैं? बच्चा गलबतर भयश्च कृपा सिंधु भाई वच पतिता नाम पावन भो वैष्णव, लास्ट में बोलते हैं ना, दिन में दो बार बोलते हैं। बोले क्यों? कारण है, यहाँ पर है ना, ये कहीं कोई मत सोचे नहीं, जब कोई बहुत बड़े कोई साधु हो ना, बहुत बड़े जब कोई साधु हो, जब उनके चरण में अपराध करके तभी अपराध, नहीं कहते नहीं, सब हम वैष्णव, सब सदगुरु, सब के सब गुरु जी के आश्रय लिए हरिनाम करते हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, सबके सब सबके सब वैष्णव यहाँ पर हैं, हैं? सबके सब तिलक धारण किए भजन करते हैं, सबके सब वैष्णव है। कभी कभी किसको जाने जान अनजान में है, अगर किसकी चरण में अपराध हो जाए, इसलिए बंगला में तो प्यार है, प्यार क्या है, मोर के जो अपराध ना हो हमारे, क्या है सकल वैष्णव, क्या याद है किस मोर हाउस में, किस कोई बंगला में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सकल वैष्णव पदे क्या इसे, इसलिए इसलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, बांछा कल्प तरुभस्य कृपा सिंधु भाई वच पतितानाम पावने भो वैष्णव भो नमो नमः, इसलिए इसलिए हम लास्ट में दिन में दो दो बार बोलते हैं, हैं? इसलिए जो जो बड़े बड़े वैष्णव होते थे घर घर में जा करके सब वैष्णव को प्रणाम करते, हमारे गुरु जी के मठ में है कलकत्ता मठ में, सब दूसरे मठ में ना जो वहाँ पर नहीं, सब सब भक्तों लोग जैसे आए सबके सब जा जाकर घर घर में जो वैष्णव लोग उनको प्रणाम करते हैं, अगर कोई अपराध हो गया तो हमको अपराध से माफ कर दो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर नौ तरह का जो अपराध अगर कोशिश करेंगे, बहुत स्ट्रिक रूप में अगर कोशिश करेंगे नौ तरह का अपराध से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक अपराध से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ये शरीर पर जो मैं और मेरा भाव है ना ये नहीं छोड़ सकते, फिर जाएगा कैसे, इसलिए उसका उपाय कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इसलिए रात्रि दिन नाम लय खाई थे सुई थे। देखो अगर इतना चीज अगर कोई कर ले ना, क्या करनी चाहिए, कहते हैं रात्रि दिन नाम लय खाई थे सुई थे, दिन और रात में खाते सोते क्या करनी चाहिए, हरि नामाश्रय कर जतन तुम्हें थाको अपना काजे, हाथों में ठाकुर का सेवा करो और मुंह में क्या करो हरि नाम करो, हैं? रात्रि सुते ताहर महिमा वेदे नहीं पार दिते, कहते उसका जो महिमा वेद में भी उसकी महिमा को वेद भी नहीं गा सकता, इतने महिमा, इसलिए क्या करो हाथों में सेवा करो और हर समय हैं बोले नाम बिना जन भाई काल नहीं जाए, जैसे हरि नाम को छोड़कर समय जैसे नहीं जानी चाहिए, हैं? समय जैसे नहीं जानी चाहिए, हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरि बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले एक समय कहते ये सत्य त्रेतया द्वापर, सत्य त्रेतया और द्वापर ये जो और कली ये चार युग है, चार युग में अभी कुछ लोग बैठे हुए थे, साधु लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि साधु ने बताया बताओ तो सबसे बढ़िया युग कौन सा युग है, एक साधु ने कहा सबसे बढ़िया युग सत्य युग था, इसलिए उसका नाम कृत युग, कृत मतलब सभी का जीवन जिसमें धन्य धन्य जिनका जीवन हो जाता था, कृत युग, इसलिए धर्म चार चरण में निवास करता था, बोले जगत में सबसे बढ़िया युग है सत्य युग है, एक साधु ने कहा मैं तो बताऊंगा सत्य युग नहीं, मैं तो कहूंगा तृतीय युग सबसे बढ़िया था, बोलो यह तृतीय युग को क्यों सबसे बढ़िया कहते हो, बोले तृतीय युग हम कहते राम राज्य है, कहते जिस राज्य में आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक है, जिस राज्य में कभी भी ये तीन तरह का कभी किसको दुख नहीं था, इसलिए हम लोग कभी कभी उदाहरण देते हैं बोले भैया राम राज्य चल रहा है, इसलिए राज्य का नाम था अयोध्या, अयोध्या मतलब जहाँ कभी युद्ध नहीं होता था, अवध जहाँ पर कोई मरते नहीं है, इसलिए
जिस राज्य में भगवान रामचंद्र जब राम दरबार बैठता था वहां पर पशु पक्षी भी भगवान सभी का भाषा समझते थे, वहां पर पशु पक्षी भी आकर क्या बोलते थे, भगवान की बात सबके सब भगवान सबका बात समझते थे, पशु पक्षी भी शिकायत करते थे। एक बार एक कुत्ता आकर शिकायत किया ना, क्या कुत्ता, कुत्ता ने क्या शिकायत किया है, कुत्ता ने क्या शिकायत किया, इसलिए कुत्ता सो रहा था कोई एक ब्राह्मण स्नान करके सेवा पूजा करने के लिए जा रहा था, बीच रास्ता में कुत्ता सोया हुआ और उन्होंने उसको हट 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 बोले, नहीं कुत्ता हटा ही नहीं तो उसने एक डंडा लाया और मारे कुत्ते को मारा तो कुत्ता भोग होकर फिर चला गया। जब शाम को राम दरबार बैठा हुआ था उसी समय में कुत्ता आकर के बोले ऐसे ऐसे बोले ये ब्राह्मण ने मेरे को मारा, भगवान ब्राह्मण को बुलाए, बोले भैया तुमने कुत्ते को क्यों मारे, बोले ये कुत्ता रास्ता में लेटा हुआ था, मैं स्नान करके आ रहा था ठाकुर को सेवा पूजा करने के लिए, उसको मैंने कहा हट हट, वो हटा ही नहीं इसलिए डंडे से मारे। बोले देखो मारना ये ठीक नहीं, मारना ये अपराध पाप है। तो उसको कुत्ते को बोले बताओ इसको हम कौन सा दंड दिया जाए, बोले कलिंजर देश है राज्य है वहां पर इसको महंत बना दो, मटका महंत बना दो। बोले क्यों, सबको बताओ तो बहुत बड़ा मंदिर है, हैं वहां पर तो लाख लाख करोड़ों रुपया की संपत्ति है, हैं बोले वहां पर महंत बनाने के लिए तुम क्यों कह रहे हो, इतने बड़े जमीनी जगात इतने संपत्ति। बोले पहले में उसी मटका महंत था। बोले तुम मटका, बोले हाँ, बोले फिर तुम कुत्ता क्यों बना, बोले वहां पर ठाकुर जी की सेवा के लिए जो कोई वस्तु आता था उसको प्रति हमारी भोग बुद्धि रहता था और उसको हमने क्या किया, उसको ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके उसको अपना सेवा में लगा लेता था, इसलिए वृंदावन में कभी सही घटना है, कोई एक पुजारी था, पुजारी किसने राधा रानी को नाग का उन्होंने नथ होता है ना, नथ बना करके राधा रानी को पहनाने के लिए दिया तो वो व्यक्ति था गृहस्थ, किसी ने मंदिर में दिया तो उसने असली क्या किया, असली जो नथ था ना राधा रानी का उसको तो अपना राधा रानी को पहना दिया अपना राधा जी को पहना दिया, और जो राधा रानी को उन्होंने नकली एक नथ बना करके राधा रानी को पहना दिया तो दूसरे जीवन में अरे उसने कहते प्रेत होकर जन्म ग्रहण किया, भूत होकर जन्म ग्रहण किया। कहते ये नंदगांव की घटना है, ये सही घटना न्यूज में निकला था, न्यूज पेपर में, कोई एक साधु रहता था नंदगांव में और वो कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गया तो जब वो आया जब घर में हठात उन्हें दरवाजा बंद था, देखा कोई एक व्यक्ति बाहर खड़े होकर के बोल रहा है, बोले मेरे को खाना दो मैं भूखा हूँ। उसने दरवाजा खोल कर देखता है वहाँ कोई है नहीं, एक कुत्ता बैठा हुआ। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया तो थोड़ी देर बाद में फिर आवाज आया, मेरे को खाना दो मेरे को भूखा हूँ। फिर उसने दरवाजा खोला, देखा कोई है ही नहीं, केवल एक कुत्ता बैठा हुआ। फिर दरवाजा बंद कर दिया, बोले कोई है नहीं, इंसान का आवाज जैसे। जब तीसरा बार उसने दरवाजा बंद किया, देखा कुत्ता बोल रहा था। तो बोले भैया तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसे कैसे इंसान जैसे क्या बात करते हो। तो उसने बताया मंदिर का मैंने पुजारी था, ठाकुर को सेवा में जो आता था उसको ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके मैं अपना सेवा में लगाया, अपना परिवार की सेवा में लगाया, इसलिए मेरे को कुत्ता बनना पड़ा। इसलिए कहते भगवान राम हैं, इसलिए भगवान राम सभी की भाषा को भगवान राम समझते थे, सारे जानवर का भाषा भी। इसलिए राम राज्य में एक पशु पक्षी भी कोई दुखी नहीं थे, सबके सब सुखी थे। इसलिए किसने कहा भैया हम तो राम राज्य सबसे श्रेष्ठ राज्य, किसने पूछा भैया और कोई कुछ बोलोगे, बोले हाँ मैं तो बोलूंगा उससे ज्यादा महत्व से द्वापर युग है। बोले क्यों, बोले द्वापर युग में भगवान पूर्ण ब्रह्म कृष्ण स्वयं वहां पर आए, हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण स्वयं आए। उसी समय में भी धर्म ये चार ही चरण में धर्म पूरा के पूरा चार ही चरण में रहता था। इसलिए कहते हम तो मैं तो बोलता हूँ द्वापर युग सबसे बढ़िया। पूछा भैया और कोई किसको बोलोगे,
बोले भैया मैं तो बोलूंगा कलयुग सबसे बढ़िया युग। कौन सा युग? कहिए कलयुग सबसे बढ़िया। बोले क्यों? बोले विशेष करके ये जो कलयुग है, विशेष करके हम लोग जिस कलयुग में आए, कहते ये युग सबसे बढ़िया युग है। बोले क्यों? कहते ये कलयुग धन्य कलयुग, श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में आएंगे और बड़े बड़े देवता लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। सत्य त्रेता या द्वापर युग का लोग भी, कहते इनकी बात छोड़ दो, महाभागवत लोग भी ये कलयुग में जन्म ग्रहण करके महाप्रभु का चरण आश्रय ग्रहण करते हुए भक्ति करना चाहेंगे। और दूसरे दूसरे युग में जो साधन बहुत कठोर साधन था, लेकिन कलयुग में भगवान सबसे सरल साधन रखे। साधन सरल है, साधन तो सरल है, लेकिन जो प्राप्ति है ना सबसे, सत्य युग में ध्यान से जो मिलता था, त्रेता में यज्ञ में जो मिलता था, द्वापर में परिचर्या का जो चीज मिलता था, कहते कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तना, कहते कलयुग में हरि कीर्तन के द्वारा ही वो वस्तु मिल जाएगा। इसलिए हम तो ये कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग मानता हूँ। इसलिए और हम लोग इसी कलयुग में आए हैं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान और विशेष करके महाप्रभु की धारा में हम लोग आए हैं। बोले श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए महाप्रभु ने ये तपन मिश्र को बोले, देखो घरे घिया कुटी नाटी छेड़े हैं, क्या करो भगवान की भजन करो। देखो यहाँ पर जो बता ना, कुटी नाटी भक्ति साधन में जो कुटी नाटी है ना, ये बड़ा गड़बड़ी जिनिस है। कुटी नाटी को मतलब खराब है ना, मतलब नहीं। इसलिए जो कुटी नाटी है ना, हाँ इसलिए भक्ति करने के लिए कहते हैं अंतर बाहिर सदा सम व्यवहार अमानी मानद। भक्ति करने के लिए ये कुटी नाटी छोड़ करके जैसे बाहर है वैसे भीतर में भी, बाहर और भीतर दोनों में बराबर होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए बोले तुम घर में जाओ, तुम कुटी नाटी छोड़ कर क्या करो। बोले साधित जब प्रेमांकुर हबे, साधन करते करते जब प्रेमांकुर हबे साध्य साधन तत्व जानिबे से तबे। कहते ये हरिनाम करते 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 ये हरिनाम ही हमें सब कुछ देने वाले हैं। जितना हम शुद्ध हरिनाम करेंगे अपनी आप, अभी जैव धर्म में पढ़ रहे थे ना, जैव धर्म में क्या पढ़ रहे थे, कहते वो बाबा जी महाराज कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कहते मैंने तो तुमको बोल दिया, मैंने तो तुमको सारे तत्व बोल दिया, लेकिन बोलने पर भी अभी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए क्या करो चिदानुशीलन करो। चिदानुशीलन में सबसे श्रेष्ठ चिदानुशीलन क्या है, कहते हरे कृष्ण महामंत्र अहरह। वो कह अहरह मतलब उठते बैठते सोते हर समय क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर समय अगर ये हरि नाम करोगे हैं, हरि नाम करने पर अपनी आप हृदय से ये चीज अपनी आप हृदय पे स्फूर्ति प्राप्त होगा। आप स्वयं देख लेना जितने हम शुद्ध रूप में हरि नाम करो, जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, बड़े बड़े प्रश्न है जो चीज को हम समझ नहीं पाते, अब हरिनाम कर देखना, हरिनाम करते करते हृदय में अपने आप स्फूर्ति होगा। इसको महाराज जी बोल रहे थे, हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एक बार मथुरा में बोल रहे थे, कहते मेरे मन में बहुत बहुत कुछ प्रश्न था, लेकिन मैंने कुछ कुछ साधुओं को पूछा भी है, लेकिन ठीक ठीक से मैं किसके उत्तर से मैं स्वयं प्रसन्न नहीं था, लेकिन गुरुदेव बोलते थे, लेकिन जब मैंने स्वयं हरिनाम करना शुरू कर दिया, जितना परिमाण में मैंने हरिनाम करना शुरू किया उतना परिमाण में जो मेरे मन अंदर जो प्रश्न था वो अपने आप, ये सारे प्रश्न का उत्तर हमें अपने आप प्राप्त हो गया, अपने आप मिल जाएगा सारे हैं। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, जाओ हरिनाम करते करते जब ये प्रेमांकुर होगा अपने आप सबके सब चीज अपने आप हृदय में हमारी स्फूर्ति होगा। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु तिलक की महिमा यहाँ पर बता रहे हैं। कहते महाप्रभु हैं, कहते मुकुंद संजय
कहते इनको महाप्रभु पढ़ाया करते थे, महाप्रभु स्वयं टीचर थे, पढ़ाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, कोई एक छात्र वो बगर तिलक के क्लास में आ गया, आ गया तो महाप्रभु धर्म स्थापन करने के लिए हैं, उनको क्या बोले, बोले तुमने आज संध्या वंदना नहीं किए हो, आज तुमने संध्या वंदना नहीं किया, तुमने संध्या आने की नहीं किए, क्यों? कहते तुम्हारी ये तिलक कहाँ है, मतलब है जैसे हम लोग आनी करते हैं ना, जैसे आनी करते, देखो ध्यान देखो सुनो, जैसे आनी करते हैं ऐसे नहीं बैठे और आनी करना शुरू कर दिया, नियम क्या है, उसको पहले तिलक करनी चाहिए, केवल तिलक नहीं, उसको उसको बाद में पंचपात्र लेनी चाहिए जहाँ सुविधा है, पंचपात्र लेकर के उसमें गंगे से जमने चाहिए, वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निध गुरु, हाँ गया गंगा प्रभास पुष्करानी च तीर्थान्यतानि स्नान काले भवन्ति, इस श्लोक को हैं, इस श्लोक को बोल करके अपना सर पर तीन बार पानी को छिड़काव करनी चाहिए, फिर माधवाय नमः केशवाय नमः नारायण नमः, उसके बाद में फिर तिलक को स्थापन करनी चाहिए, ललाट केशवाय नमः उदर नारायण नमः वक्ष माधवाय कंठ गोविंदाय दक्षिण पार्श्व विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम नारायण, ये तिलक को स्थापन करके फिर आनी करनी चाहिए। हमारे जो गुरु जी के मठ में प्रभु हमारे गुरु जी के मठ में जब तक जैसे आनी की ना आनी की जब करेंगे बड़े नीति नियम पूर्वक, जब तक पंचपात्र नहीं होगा तो कोई तो आनी करेगा नहीं, सवेरे भी नहीं करेगा शाम को भी नहीं करेगा, वो तभी करेंगे बगैर पंचपात्र का आनी नहीं करेंगे। और हमारे गुरु जी के मठ में जैसे माधवाय नमः केशवाय जैसे पानी जहाँ पर फेंकते हैं ना, वो पानी मंत्रभूत पानी है, फिर वो पानी को एक अलग कपड़ा रहता है, वो पानी को वहाँ जाकर पोंछ लेते हैं, फिर पानी को क्यों, जो माधवाय नमः केशवाय नारायण किया वो मंत्रभूत पानी है, झूठा पानी, वो झूठा पानी, फिर वो मंत्र को पूत पानी है, इसलिए वो पानी को जाकर के फिर उसको साफ करते हैं, वो पानी को उठाते हैं, क्योंकि एक तो झूठा फिर मंत्रभूत पानी है। महाराज भी बोलते हैं जो पानी है पूरा पीना चाहिए ना, कोई कोई ऐसा केवल स्पर्श करके छोड़ देते जैसे नहीं ना, हाँ कोई पीता है कोई स्पर्श करने पर तभी वो तो मंत्रबुद्ध पानी है ना, इसलिए उसको साफ करते हैं फिर जा करके ये आनी करते हैं, हैं फिर आनी करते हैं। और हमारे मंदिर में तो जो प्रसाद का जो नियम है ना बहुत, जैसे विशेष करके जो पुजारी और हमारे मंदिर में तो सब लोग हैं, हैं जैसे जिस बिस्तरा में हम सोए लेट, जिस बिस्तरा में हम लेटते वो बिस्तरा में कभी भी सोने का बाद वो बिस्तरा को उठा करके पूरा के पूरा अलग जगह पर रख लेते, क्योंकि उसमें सोए वो बिस्तरा में वो बिस्तरा अपवित्र है, वो बिस्तरा हो गया अपवित्र, अपवित्र होने पर जो ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं और फिर उसी कपड़ा से उसी बिस्तरा में बैठे, बैठी करके फिर उसी कपड़े से जाकर रोसी बनाए ना ठाकुर का सेवा किया, वो वस्त्र तुम्हारे अपवित्र हो गया। इसलिए हमारे मंदिर में पूरा वो बिस्तरा को जब मंदिर जब हमारे मंदिर में जब ठाकुर मंदिर में जो सेवा करता है और उसी घर में भी उसका पूरा अलग कपड़ा होता है, वो अलग कपड़ा पहन करके और उसी घर में जाएगा फिर ठाकुर को पूजा करने जाएगा। अगर वो किसी कारण से अगर मंदिर से बाहर गया पुजारी अगर गए ना वो कपड़े से फिर मंदिर के अंदर में घुस जाए मंदिर, मतलब हमारे मंदिर में। और जो प्रसाद का जो नियम हो तो बहुत कठिन, और जहाँ प्रसाद पाएंगे दो बार वहाँ पोछा लगाएंगे, अगर किसी कारण से कपड़ा टच हो गया तो फिर कपड़े को धोएंगे, फिर वो कपड़े को बड़ी बड़ी ये है हमारी पूरा निष्ठा नियम पूर्वक ठाकुर का सेवा बड़े निष्ठा नियम पूर्वक करते हैं। इसलिए कोई एक छात्र उसने बगैर तिलक के आ गए क्लास में, आ गए तो महाप्रभु उनको लज्जा देते हुए हैं, बोले तुमने आज तिलक नहीं किया, गुरु मंत्र जब नहीं किया, मतलब बगैर तिलक के गुरु मंत्र जप नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं बोले जो वैष्णव दीक्षा में दीक्षित है उनके पास में तो चार चीज होनी चाहिए, चार चीज क्या है, गले में तुलसी कंठी होनी चाहिए, तिलक होनी चाहिए, आप पुरुष लोगों के लिए चोटी होनी चाहिए, और ये जनेऊ है, ये जनेऊ होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिसकी कपाल में तिलक नहीं है वो कपाल कैसे है, बोले शमशान के बराबर है। इसलिए तिलक सेवन नाकर जजर जमालय बास तार, हैं तिलक के बगैर ललाट शमशान है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सारे पुराणों से
श्लोक को उन्होंने उठा करके यहाँ पर उन्होंने उद्धृत करके बताए, मत भक्त धारयते नित्यम ऊर्ध पुंड्रम भयापहम। कहते ये पद्म पुराण में कहते हैं, यज्ञ दानम तप होमम स्वधाय पितृपर पितृ अर्पणम व्यर्थम भवति तत् सर्वम मूर्ध पुंड्रम बिनाम कृतम। कहते जो यज्ञ करते हैं, जो दान करते हैं, जो होम करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो पितृतर्पण करते हैं, अगर बगैर ऊर्ध पुंड्र के तिलक के अगर करते हैं, कहते ये सब के सब उनकी वृथा हो जाते हैं। और ऊर्ध पुंड्र भिन्नस्तु किंचित कर्म करोति ज इष्टपूर्तादिकं सर्वं निष्फलं स्यात् न संशय। तिलक के बगैर हैं, तिलक के बगैर जितने साधन भजन जो कुछ करते हैं वो क्या हो जाते हैं, बोले सबके सबके सब निष्फल हो जाता है। और हरि भक्ति विलास में तो इतना श्लोक दिया, वो तिलक का अलग अलग नाम बताया, तिलक का क्या आकृति कितना होनी चाहिए, 12 अंगुल होनी चाहिए, तिलक का आकृति 12 अंगुल होनी चाहिए, और कौन सा तिलक का क्या क्या महिमा बताए। और जो तिलक धारण करते हैं शरीर में उनकी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी हैं, कभी जितने तीर्थ है वो सारे तीर्थ उनको शरीर में निवास करते हैं। बोले गीता सीता पार्वती लक्ष्मी दुर्गा, कभी जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं उनका शरीर में पूरा के पूरा सारे देवा देवी का निवास होता है जो तिलक धारण करते हैं। कहते बगैर तिलक के जो जो हम कोई काम करते हैं उसमें जो फल मिलेगा, कहते तिलक धारण करते हुए जब हम उसको सेवा पूजा करेंगे, कहते लाख गुण उसमें ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं, ये तिलक तो साधारण है नहीं, ये क्या है, बोले गोपियों की चरण धूलि है। ये नारद जी के चरण धूलि वृंदावन से लेकर गए, कहाँ द्वारका गए, भगवान को वहां पर अभिषेक हुई, भगवान स्वयं ये तिलक से अभिषेक किए। इसलिए मिट्टी जहाँ तहाँ नहीं मिलती है, मिट्टी केवल द्वारका से ही ये मिट्टी मिलती है। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त तीन यही साधन रे बल। कहते भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल तीन उपाय क्या, एक तो भक्तों का चरण धूलि, दूसरा भक्तों का चरणामृत, और तीसरा भक्तों का अधरामृत। ये तीन भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। और एक उसमें क्या है, कहते उसमें भक्तों की चरण धूलि। और ये चरण धूलि किसकी, ब्रजवासियों का चरण धूलि, राधा रानी की चरण धूलि, ब्रज गोपियों की ये चरण धूलि है। इसलिए कहते ये तिलक नहीं, ये एक रक्षा कवच है। कहते माँ जसोमती जब पुतना आ गई घर में, माँ जसोमती कृष्ण को ये तिलक लगा रही थी, मेरे लाला को ललाट को केशव देव रक्षा करे, उदर को नारायण रक्षा करे, बक्ष स्थल को माधव रक्षा करे। इसलिए भगवान का नाम को ले लेकर के तिलक लगा रही थी। कृष्ण मन मन में सोच रहे हैं, अरे भैया देखो मेरे नाम की कितने महिमा है, मेरे नाम मेरे को रक्षा करने वाले हैं, भैया मेरा नाम को ले लेकर के मेरे को तिलक लगाती हैं। इसलिए भगवान राम नारायण कृष्ण सबके सब बगैर तिलक के कोई नहीं रहते हैं, हैं? इसलिए बगैर तिलक के जो ललाट है ये शमशान के बराबर। इसलिए महाप्रभु कहते महाप्रभु ये धर्म स्थापन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले, बोले तुमने तिलक नहीं लगाया, जाओ घर में जाओ तिलक लगा करके तब आना। इसका तात्पर्य क्या है, अगर बगैर तिलक के कोई महाप्रभु का क्लास में आ जाए ना, महापुरुष को बैठने भी नहीं देंगे, महाप्रभु अपना संगत में बैठने नहीं देंगे, बोले घर में जाओ तिलक लगा करके आओ। इसलिए क्या करनी चाहिए, हम सबको तिलक लगानी चाहिए, हैं? इसलिए उसको बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम पत्नी थी क्या नाम थी, लक्ष्मी प्रिया। जब महाप्रभु गए थे पूर्व बंगाल में, महाप्रभु का विरह में लक्ष्मी प्रिया ने शरीर छोड़ चुके हैं। अभी सची मैया चिंतन करती हैं, मेरे बेटा का शादी हो जाए, हाँ मेरे बेटा की शादी हो जानी चाहिए। इसलिए कैसे महाप्रभु दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम क्या थी, कहते विष्णु प्रिया।
महाप्रभु कहीं से विष्णु प्रिया को साथ में शादी करते हैं। कल महाप्रभु की दूसरे शादी कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले नित्यानंद प्रभु की, इताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, सबके सब मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए कोरोना वायरस को हटाने के लिए सबके सब कीर्तन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे। महाराज हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो बोलो राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण